सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू यू आई एस। आज का सेशन प्लान किया था 7:45 AM को, और इतना ज़्यादा कंटेंट आया क्योंकि कल का भी कवर करना था, आज भी कवर करना है, तो काफ़ी सारा कंटेंट आया। जैसे अगर आप ये इमेज देख रहे हो तो ये जो इंडियन ईगल आउल है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा आज टॉपिक आए हैं कल के और आज के मिला के, इसलिए आज टाइम लग गया। लेकिन जो सेशन की टाइमिंग होगी वो यही रहेगी, 8 बजे से पहले आपके सेशन का जो रहेगा, जिससे कि मॉर्निंग में आपका ये सेशन ख़त्म हो जाए। तो लेट्स डिस्कस। देखो आज के जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक बार जल्दी से सभी लोग बता दो, वॉइस आपको सभी को क्लियर आ रही है एवरीवन? तो देखो, एक तो शुगर केन एंड ग्राउंड वाटर, ये एक टॉपिक बनता है। देन मेटा ब्लॉक कैनाडा, ये एक ब्लॉक्स कैनाडा, ये एक टॉपिक बनता है। होमोजाइकस हेटरोजाइकस क्या, साइंस का टॉपिक है। देन वी हैव अ पेरिसिटस कोल सस करके है, ये टॉपिक है। ट्रॉपिकल ट्रीज, DPP4, ट्री रिंग्स एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन ईगल आउल, टीबी एलिमिनेशन, डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब इस बिल का देखो, एक बार मैंने पहले भी आप लोग करा दिया, बट आज पूरे के पूरे बिल के एक एक प्रोविजंस को आई विल डिस्कस विथ यू। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सारा का सारा जितना भी डेटा है, डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब चाहे 15 आर्टिकल आए, 20 आर्टिकल आए, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक टॉपिक है, इस पर सारा का सारा, इस बिल के सारे प्रोविजंस वी विल कवर। तो ये सारे टॉपिक से एक एक करके फिर किस पेपर से बिलोंग करते हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जितने लोग सेशन लाइव देख रहे हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक बटन जरूर से प्रेस कर लो, क्योंकि टाइम चेंज किया है। अभी मॉर्निंग में ही सेशन आपका होगा 7:45 AM के आसपास, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक आ जाएगा था, आप देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इनकी स्लाइड बनाना और फिर बहुत सारी चीज़ें करने में ही इतना समय लग गया, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा क्या डिले हो गए। लेकिन कल से जो समय यही रहेगा आपका 7:45 AM, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि 7:30 बजे तक आपका सेशन हो जाए मॉर्निंग के अंदर ही। तो जल्दी से एक बार सेशन सभी लोग शेयर कर दो और एक बार बता दो एवरीथिंग इज़ फाइन, सारी चीज़ें क्लियर है, हम आज इस फॉर्मेट में कर रहे हैं बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हैं और इसमें सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ तो होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट, एंड दिस इज़ बेसिकली लिंक्ड विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस पर भी अगर आप देखो तो एक वी कैन से कि काफ़ी सारा न्यूज़ में भी आया है, एंड दिस इज़ बेसिकली लिंक्ड विथ व्हाट वी कॉल इट एज, ये जुड़ा भी है जिसे शुगर केन की बात करें उससे, तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी है इस समय, कुछ दूसरे कंटेक्स्ट में है पर ध्यान में रखना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो ये टॉपिक है, अगर आप आज का पेपर देखोगे ना तो उसमें जो टेक्स्ट वाला हिस्सा है उसमें आता है, टेक्स्ट वाला हिस्सा। अब देखो जनरली जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, अगर मैं आपको ऐसे ऐसे एक एक लाइन ऐसे पढ़ा दूँ तो आप भी पढ़ सकते हो, बट अब स्लाइड्स आपको PDF भी मिल जाता है, प्लस साथ में ये जो जो पॉइंटर्स हैं वो आपको मिल जाता है कि पूरे आर्टिकल से मुझे किन किन चीज़ों को कवर करना है, किन किन आस्पेक्ट को जो है वो ध्यान रखना है। अब देखो ये जो टॉपिक है, इज इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू अ क्राइसिस, क्या इंडिया का जो शुगर सरप्लस है वेदर इट इज़ अ लीडिंग टू अ क्राइसिस। अब ये टॉपिक हम इंक्लूड कर सकते हैं एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी, दो ऐसे एरिया से प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या आस्पेक्ट हाईलाइट किया गया। तो पहली चीज़ कहा गया कि जो वर्ल्ड की टॉप शुगर प्रोड्यूसर है 2021-22 की अगर बात करें वो इंडिया है, तो ये प्रीलिम्स का एक फैक्ट हो गया। तो इंडिया ने ब्राज़ील को सरपास किया है, ब्राज़ील को हमने सरपास किया है, मतलब ब्राज़ील से ज़्यादा जो है वी कैन से कि प्रोड्यूस हमने किया है शुगर केन की बात किया जाए। अब जो यूजेज हैं रिसोर्सेज की शुगर केन के प्रोडक्शन की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर केन को प्रोड्यूस करते हो तो कई रिसोर्सेज लगते हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका होता है वो है ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है, जमीन का पानी है, उसका इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। अब आप देखो कि जो ग्राउंड वाटर है, अगर इतना अधिक अगर इस्तेमाल ग्राउंड वाटर का कंटिन्यूस बेसिस में होगा, डिप्लेशन होगा, कि कहा जाता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर केन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर आपका यूज़ हो जाएगा, तो ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन होगा, जिससे कि जो अवेलेबिलिटी है ग्राउंड वाटर की वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, एक तो ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन तो है, और आज के समय में एक दिक्कत ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी या पहले से ये पॉलिसी चली आ रही जिसे हम कहते हैं FRP, आप मानो कि जैसे जनरली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूसरे
क्रॉप्स के लिए मिलता है, इसी तरीके से शुगर केन के लिए स्पेशल ये जो सपोर्ट प्राइस है जो कि पे करना पड़ता है शुगर मिल्स को, शुगर मिल्स हैं तो इतने मिनिमम अमाउंट में ही वो शुगर केन को बाय करते हैं। अब ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, इसलिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो शुगर केन है उसको उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर केन उगाया जाता है क्योंकि उनको पता है कि हम FRP के जो रेट है उतना तो हमें मिल जाएगा जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है उनके लिए, तो इतने रेट में बेच लेते हैं। तो ये जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये स्कीम है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी कई लेवल पे जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हैवी सब्सिडीज मिलती हैं ये भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो एक पॉइंट याद रखना, एक तो FRP स्कीम है प्लस हैवी सब्सिडीज जो अवेलेबल होती हैं फार्मर्स को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से हमारे देश के अंदर जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत तेज़ी मिली है, हायर एक्सपोर्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम शुगर केन प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, लगभग 110 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया 2021-22 की बात करें। अब इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं कई सारे देश, जैसे ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ग्वाटमाला है, बिकॉज ये भी काफ़ी अधिक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये देखती है कि व्यापार से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको सुना जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर स्पेशल एक बॉडी है। लेकिन क्योंकि जो अपलेंट बॉडी है वो अभी फंक्शनल नहीं है, इस वजह से भले भारत के खिलाफ शिकायत भी की गई कि देखो शुगर केन में इतना ज़्यादा फार्मर्स को सपोर्ट दिया जा रहा है तो हमारे लिए ठीक नहीं, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटमाला ने कहा, जो पहली आपकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की, उसने भारत के खिलाफ जजमेंट दिया, भारत ने उसके खिलाफ अपील किया, बट क्योंकि अपेलेंट बॉडी अवेलेबल नहीं है इसलिए इस पर कोई भी फाइनल जजमेंट आपका नहीं आ पाया। लेकिन इस पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि शुगर केन इतना अधिक अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी क्रॉप कैसे होगा, प्लस इसका इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर पर बहुत अधिक है, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू एड्रेस दिस इशू, क्या क्या एफर्ट्स हमने जो है इसके लिए लिया है। तो देखो एक चीज़ तो ये है कि इतना ज़्यादा हम शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब शुगर केन का दूसरा एप्लीकेशन भी है, जैसे मान लो शुगर केन में शुगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो चीनी बना रहे हो, दूसरा ये भी है कि इथेनॉल बना सकते हो, अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर किया जा रहा है, फिर ये कई सारे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, मतलब जो अल्कोहल की बात की जाए तो उसमें भी इथेनॉल का इस्तेमाल आपका किया जाता है, जिसका फर्दर इस्तेमाल, देखो पीने के लिए सिर्फ अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता, केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत बहुत एप्लीकेशन है, केमिकल और कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें काफ़ी अधिक एप्लीकेशन आपका बन जाता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो वहाँ भी इथेनॉल की ब्लेंड किया जा रहा है, जैसे मान लो पेट्रोल है उसके साथ इथेनॉल को मिलाया जा रहा है, धीरे धीरे इसको काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि और इंक्रीज आपका किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर ये जो अवेलेबिलिटी इथेनॉल की, इसको इंश्योर करने के लिए शुगर केन एक बड़ा सोर्स बन जाता है कि आप कैसे शुगर केन का डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन कर सकते हैं। शुगर केन को लगभग 3000 mm ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत है, और देखो अगर इतनी अधिक रेनफॉल अगर देखा जाए तो इतनी अधिक रेनफॉल होती नहीं, अगर रेनफॉल नहीं है तो ग्राउंड वाटर चाहिए, 100 किलो शुगर के लिए 200,000 लीटर ऑफ ग्राउंड वाटर चाहिए इरीगेशन का, आप इमेजिन करो कितना ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, कि जैसे ऐसी जगह है जहाँ पे सूखा पड़ता है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, शुगर केन क्या है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इस वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, और 100 किलो शुगर केन को बनाने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए लगभग आप इमेजिन करो कि इतना सारा जो पानी है, 200,000 टन पानी की आपकी जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ह्यूज हो जाता है, वी कैन से कि ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट आपका बन जाता है। कहा गया कि जो फेयर और कॉम्प्रहेंसिव सब्सिडी, देखो जनरली शुगर केन का जो इतना अधिक प्रोडक्शन हो रहा है उसके पीछे एक जो रीज़न हाईलाइट किया गया है, वो रीज़न ये बताया गया कि जो इजीली जैसे MSP होता है इसी तरीके से FRP है, तो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। अगर हमने इसको डाइवर्सिफाई किया, तो इससे बेनिफिट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि फार्मर भी क्रॉप का जो डाइवर्सिफिकेशन वो करेंगे,
डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को वो ग्रो कर सकते हैं। इवन जो मोनोकल्चर है, मतलब एक ही खेत है उसमें एक ही क्रॉप को आप बार बार उगा रहे हो, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। इससे फार्मर की इनकम सिक्योरिटी भी रहेगा। और यहाँ पे एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल शुगर केन कल्टिवेशन की तरफ हमें जाना है। जैसे ग्राउंड वाटर की बात करें, इसकी जगह ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रिप इरीगेशन जो है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल होता है, और क्योंकि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत अधिक अगर हम पानी इस्तेमाल करते हैं पानी का डिप्लेशन होगा, तो जो सूखे वाले इलाके हैं वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत रिड्यूस आपकी हो जाएगी। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कैनाल इरीगेशन, इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है। कुल मिला के क्या है, वी नीड टू मेक एफर्ट जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर का बहुत अधिक ये लोग इस्तेमाल होता है। अगर शुगर केन की बात करें तो किस तरीके से ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर को का इस्तेमाल हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो आसपास की इकोलॉजी पर भी काफ़ी अधिक पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये मेटा के ऊपर है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा के अंदर जो मेटा है उसने कुछ चीज़ें ब्लॉक की हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, एक पर्टिकुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो वहाँ डेवलपमेंट है, एक एक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इंटरनेशनल आस्पेक्ट में जब आप चर्चा करते हो, या फिर देखो टेक्नोलॉजी किस प्रकार का चैलेंज लेकर आ रही हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड मेटा ब्लॉक कनाडाज एक्सेस टू न्यूज़ रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट के लिए क्यों इस चीज़ को जो है ब्लॉक आपका किया गया। अब देखो जनरली क्या होता है, जैसे आप देखो गूगल न्यूज़ है, अब गूगल न्यूज़ है, सपोज करो गूगल न्यूज़, अब गूगल न्यूज़ में क्या होता है कि आजकल देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी का सारा इस्तेमाल करते हैं लोग, तो गूगल न्यूज़ में आप क्या करोगे कि सारे के सारे जो न्यूज़ है ना उस चीज़ को पब्लिशाइज कर दिया जाता है एक जगह पर। अब किसी को अगर न्यूज़ देखनी है तो क्या करेगा, गूगल न्यूज़ में जाएगा और सारी जो भी न्यूज़ है देखेगा, उससे गूगल भी पैसा कमा लेता है। इसी प्रकार से फेसबुक में है, इसी तरीके से और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी इस प्रकार के न्यूज़ अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो लोकल, सपोज करो कोई वेबसाइट है या लोकल न्यूज़पेपर है, उनको कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनका लिंक का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उससे गूगल को तो फायदा है या किसी भी सोशल मीडिया को तो फायदा है, ओवरऑल जो लोकल न्यूज प्रोवाइड करते हैं उनको फायदा नहीं है। तो अगस्त 1 को मेटा ने अनाउंस किया है कि जो भी वो न्यूज़ पब्लिश आपका करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब में जो भी पब्लिश होता है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने कहा कि एक बड़ा फैक्टर है, दैट इज़ ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट को एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इन्होंने हाईलाइट किया कि वी कैन से कि जो ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया कि ये इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई इशू हो तो एक बार तुरंत मैसेज कर देना आप कि जैसे सपोज करो वॉइस है या टेक्निकल कोई भी इशू हो तो लेट अस नो, है ना। तो ये क्या कहा गया कि जो कनाडा है, कनाडा ने ऑनलाइन न्यूज़ जो एक्ट है जो कि जुलाई 22 से अफेक्ट में आया है, तो यहाँ पे मेटा और जो गूगल है उन्होंने मे बी देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, जिसे अभी मेटा ने ब्लॉक कर दिया है कि क्योंकि इसमें कहा गया कि कुछ पार्ट जो रेवेन्यू का है उसको शेयर करना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। तो मेटा स्पोक पर्सन ने कहा कि जो लॉ है ये फ्लॉड तरीके से है, क्योंकि देखो आज कनाडा ने किया फिर दूसरे देश भी करेंगे, तो ये चाहेंगे कि ऐसा ना किया जाए। तो जो भी ये लोग न्यूज़ अवेलेबल कराते हैं कनाडा से रिलेटेड वो अवेलेबल नहीं कराएंगे। अब गूगल और मेटा की अगर बात किया जाए, अंडर द गवर्नमेंट ओवरसाइट यहाँ पे एक कंपनसेशन एग्रीमेंट विथ ऑथराइज्ड न्यूज़ पब्लिशर इन कनाडा। अब ये एक्ट के अंदर है कि देखो जो भी, जैसे सपोज करो कोई लिंक इस्तेमाल किया जा रहा है इनके द्वारा, गूगल या मेटा के द्वारा, तो सर्टेन अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनका रेवेन्यू का लॉस है। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए कंपनसेशन जो एग्रीमेंट है उस कंपनसेशन एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, प्लस जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है दैट द प्लेटफॉर्म नीड टू मेक बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू इन कनाडा। तो मिनिमम प्लेटफॉर्म रेवेन्यू, जैसे मान लो जो भी कमाई है तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन उसका भी कराना जो है वो पड़ेगा। फिर जो भी एक कैनेडियन रेडियो टेलीविज़न टेलीकम्युनिकेशन कमीशन है, ये पूरा का पूरा बार्गेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो सिंपल सी बात, मान लो ए बी सी ये लोकल न्यूज़ हैं, अब इनकी लिंक और न्यूज़ का इस्तेमाल गूगल मेटा में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सर्टेन रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। नहीं तो देखो आप खुद सोचो कि अगर उनको सारी न्यूज़, उन सारे पब्लिशर्स की जो न्यूज़ हैं वो, या जो भी न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं उनकी सारी न्यूज़ गूगल न्यूज़ या मेटा के अंदर मिल जाएगा, तो फिर उसको क्यों पढ़ेंगे। तो एक तो रेवेन्यू उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब ऐसे एक्ट की ज़रूरत क्या है,
क्यों है? बिकॉज देखो बहुत सारे ऐसे जो प्रिंटेड पब्लिकेशंस हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो प्रिंटेड पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं छोटे छोटे की अगर बात किया जाए, वो बंद हो चुके हैं यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, क्योंकि कोई उनका रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गूगल और मेटा है वो, क्योंकि पूरे जो ऑनलाइन एड रेवेन्यू है उसको डोमिनेट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर सपोज करो कि अगर आप एक वेबसाइट है आपकी और उसका गूगल में विजिबिलिटी है और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब उसमें क्या होगा कि जनरली कोई अगर एडवर्टाइज भी करेगा तो वो ये कहेगा कि यार गूगल में ऐड कर देते हैं तो इतने सारे ऑडियंस उनको एक साथ मिलेगा, तो वो क्यों एक लोकल वेबसाइट पे या कोई लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना चाहेगा? वो गूगल न्यूज़ है जो जहाँ भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी न्यूज़ अवेलेबल है वहीं पे करेगा। इस वजह से क्या है कि जो लोकल या न्यूज़ वाले हैं इनको, इनके लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, और रेवेन्यू जनरेट नहीं पड़ रहा तो जैसे स्टाफ काम कर रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे लोग मैनेज करेंगे? तो ये एक बड़ा फैक्टर है लॉस ऑफ रेवेन्यू की वजह से बहुत सारे छोटे लोकल न्यूज़पेपर्स और ये सारे बंद हो गए, और यही एक फैक्टर है कि कनाडा इस तरीके से एक्ट आपका लेकर आया। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप कैसे यूज़ करोगे? तो जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल मीडिया पर आप कुछ लिखते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और क्यों रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, तो रेगुलेशन पे आप अगर चर्चा करते हो तो एडवांस्ड इकोनॉमीज या डेवलप्ड इकोनॉमीज किस तरीके से प्रयास कर रही हैं, उनके एक्ट के बारे में आप स्पेसिफिकली कुछ हाईलाइट करते हो, तो यहाँ पे जब इस आर्गुमेंट को आप कैरी कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस टॉपिक इज बेसिकली लिंक्ड एंड रिलेटेड, व्हाट वी कॉल इट एज क्रोमोसोम। अब देखो ये क्रोमोसोम है और इसके अंदर डीएनए है और ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है और ये डीएनए है। अब जनरली देखो एक अगर आप पेपर देखो, वी कैन से जो आपका पेपर आज का पेपर देखो तो उसमें स्पेसिफिकली साइंस वाला सेक्शन आता है। साइंस वाला सेक्शन, इफ़ यू विल सी दिस साइंस वाला सेक्शन, तो इसमें एक टर्म जो है वो मेंशनड है, दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड विथ होमोजाइकोसिटी या होमोजाइकस एंड हेट्रोजाइकस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब इसमें देखो एक चीज़ और भी है, जैसे अब इसमें देखो जब हम ये ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, सोशल इथिकल आस्पेक्ट भी आ जाता है, बट उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो एक चीज़ ये समझो कि जैसे मान लो आप किसी भी स्पीसीज़ की बात करो, जैसे प्लांट स्पीसीज़ ले लो। अब प्लांट स्पीसीज मान लो एक प्लांट ए है, दूसरा प्लांट बी है। अब एक प्लांट ए है, दूसरा प्लांट बी है। अब जो ए प्लांट है उसकी हाइट अच्छी है, बहुत अच्छे फूल आते हैं। बी प्लांट है उसका हाइट थोड़ी सी छोटी है, फ्लावर इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है। दोनों को आपने क्रॉस कराया तो जो नया प्लांट बनेगा उसमें क्या होगा, उसकी हाइट मीडियम साइज़ की होगी और फ्लावर मतलब एवरेज होगा फ्लावर की क्वालिटी। सपोज करो ए प्लांट जिस तरीके का, उसी तरीके से दूसरा प्लांट है। अब दोनों की क्रॉसिंग हुई, अब उसमें जो नया प्लांट बनेगा वो जैसा ए है वैसा ही होगा। तो देखो क्या होता है कि जनरली जो जेनेटिक लेवल पे होता है, जेनेटिक लेवल पे चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप बात करो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान ही नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप एग्जांपल ले लो, उसमें होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, मैन है वुमेन है, उनके अंदर जो भी जेनेटिक मेकअप है वो डिसाइड और डिटरमाइन करेगा, इट विल डिसाइड एंड डिटरमाइन द जेनेटिक्स ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो बच्चा होगा उसके जेनेटिक्स कोई डिसाइड करे। तो 2009 के अंदर नेचर जेनेटिक्स, ये जो स्टडी की गई थी नेचर जेनेटिक्स बाय ग्रुप के द्वारा और हैदराबाद के अंदर, इसमें कुछ बातें जो है वो हाईलाइट किए गए और उसमें देखो क्या कहा गया कि कुछ जेनेटिक लेवल पे कुछ ऐसी जीन्स हैं जैसे मान लो एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कुछ जीन्स हैं। अब ये जीन्स क्या हैं, डिलीट हो चुकी हैं, डिलीटेड हैं। अब ये जीन्स डिलीटेड होने की वजह से क्या है कि जिन पर्सन में वो जीन प्रेजेंट नहीं है उसका वो हार्ट फेलियर यंग एज में देखने को मिल रहा है। अब ऐसा कोई पर्सन है जिसमें अगर मान लो कोई मैरिज कर लेता है ऐसे किसी पर्सन के साथ जिसके जो जेनेटिक लेवल पर देखा जाए तो ये जो जीन्स प्रेजेंट है ये जीन्स पूरे तरीके से डिलीटेड हैं। अगर ये पूरे तरीके से डिलीटेड हैं तो फिर क्या होगा, जो बच्चा होगा तो उसके अंदर क्योंकि वो जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो फिर देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हार्ट अटैक आ जाए या कार्डियक फेलियर देखने को मिल जाए। अब आप ये समझो कि जीन की बात अगर हम करें तो इसमें क्या, जो स्टडी हुई थी, स्टडी ये कहती है कि देखो देयर आर सर्टेन जीन्स,
कुछ ऐसी जीन्स, उन जीन्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और फिर कहा कि देखो ये 25 ऐसी जीन्स अगर ये डिलीटेड हैं, इट मीन्स जो कार्डियक फेलियर है वो देखने को आपका मिल सकता है, क्योंकि ये जो जीन्स हैं लगभग 25 ऐसी 25 बेस पेयर्स हैं जीन्स के अंदर जो कि हार्ट के सही से फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि वो सही से दिल जो है वो धड़कता रहे, धड़कना है मतलब दिल जो है वो आपका सही से चलता रहे या जो हार्ट है वो सही से चलता रहे। अब ये जो जीन है वो डिलीट कब हुई, 30,000 साल पहले। अब कैसे होता है, जीन अगर 30,000 साल पहले डिलीटेड है तो अब अगर एक पर्सन ए है, अब उसके शरीर के अंदर जो जीन्स है उसमें वो आप कहते हैं वो बेस पेयर लैकिंग है, अगर वो बेस पेयर लैकिंग है और उसके साथ कोई शादी कर ले फिर वो क्या होगा, जो बच्चा है उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरीके से देखने को मिल जाता। अब लगभग ये 4% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आज के समय में, क्योंकि पहले बहुत ही कम थे लेकिन अब जो है 4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन टुडे ये इस पे देखने को मिल रहा, मतलब इतनी पॉपुलेशन आपकी अफेक्टेड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ बिग नंबर, तो ये ध्यान रखना। अब देखो दूसरा क्या है कि देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ ए होमोजाइकस एंड हेटरोजाइकस। अब होमोजाइकस, अब जैसे जनरली जैसे मान लो जो भी जेनेटिक डिजीजेज है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज होगी जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इसमें कहा गया कि देखो कोई भी जेनेटिक डिजीज है, देखो कोई भी बीमारी होती है उसके लिए वायरस बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, हम कहेंगे वायरस की वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से हुआ, लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेज होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या फिर जो अभी हमने देखा कि कार्डियक फेलियर हो गया, तो ऐसी जो डिजीजेज हैं इनके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जेनेटिक लेवल पे ये फैक्टर है, उसकी वजह से बीमारी जो है वो हो रही है। अभी कब होती है, जैसे मान लो एक जीन जो कि बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो बी है, तो या ये बी है, अब स्मॉल बी है, तो ये जो बी है ये हमेशा रिसेसिव फॉर्म में होगी, मतलब जैसे मान लो एक कैपिटल बी है कि स्मॉल बी है, तो ये रिसेसिव फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म अभी यही मानो कि जब भी अगले जनरेशन में ये पेयर जाएगा तो ये पेयर बेसिकली एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब ये स्मॉल बी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये कब एक्सप्रेस करेगा, जब ये इस तरीके से हो, मतलब दोनों सेम सी जीन प्रेजेंट हो। तो जैसे कोई भी जीन होती है, जैसे मान लो बी है वो अपने एक अल्टरनेटिव फॉर्म में होती है, मतलब स्मॉल बी फॉर्म में होगी, तो इसे हम एलील शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लोग आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे शब्द मेंशन हेटरोजाइकस, हेटरोजाइकस मतलब जैसे मान लो एक कैपिटल बी है स्मॉल बी है, तो जैसे ये केस क्या है, ये हेटरोजाइकस है, और ये केस क्या है, ये होमोजाइकस है। तो जनरली जब भी बीमारी ट्रांसफर होनी है, जैसे मान लो अगर ये कंडीशन आ गई बी बी और ये स्मॉल बी जो है बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कंडीशन अगर आ गई तो इसे हम जो कि हेटरोजाइकस कंडीशन हम जिसे कह रहे हैं, दिस हेटरोजाइकस कंडीशन, ये जो हेटरोजाइकस कंडीशन है, दिस हेटरोजाइकस कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉरी थोड़ा करेक्ट कर लो, जो होमोजाइकस कंडीशन है, ये होमोजाइकस होगा, जो होमोजाइकस कंडीशन है दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। तो हेटरोजाइकस के अंदर क्या है, आपके पास एक कैपिटल बी है स्मॉल बी, दिस इज हेटरोजाइकस एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजाइकस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक जीव पानी का मिला है जिसको कहा गया कि बहुत ज़्यादा इसका वेट है और इस टाइप से, तो यहाँ पे ये देखा जाए 340 टन वेल स्पीसीज है, 39 मिलियन ईयर्स एगो ये आपके प्रेजेंट है, 340 टन वेल स्पीसीज, सोचो आप इमेजिन करो कितना बड़ा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप याद रखो कि पैरोसीटस कोलोसस, अगर आपसे पूछे रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, तो ये एक एंशियंट स्पीसीज थी वेल की जिसको डिस्कवर किया गया, मतलब उसके फॉसिल्स मिले होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं घूमती उनको मिल गई होगी। तो न्यूली डिस्कवर्ड पैरोसीटस कोलोसस एंशियंट स्पीसीज है वेल की, और लार्जेस्ट और हैवीस्ट एनिमल है जो कि स्टडी किया गया, लार्जेस्ट और हैवीस्ट एनिमल इसे कंसिडर किया गया कि इट इज काइंड ऑफ अ लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एनिमल। अब इसका बहुत ज़्यादा वेट है, स्केलेटन है, मास है बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली न्यूज़ में था पैरोसीटस कोलोसस, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है वो ध्यान में रखना है। अच्छा देखो, कल से हमारी जैसे आज भी सेशन की टाइमिंग मैंने जो प्लान की थी वो 7:45 AM को प्लान की थी, बट इतना कंटेंट आ गया कि हमें थोड़ा लेट शुरू करना पड़ा, लेकिन आप तैयार रहना 7:45 तक, 7:30 तक प्लान ये कि 7:30 से 7:45 AM को आपका सेशन हो जाएगा। जो बाद में देखो तो आप लोग सुबह जल्दी उठो और ये सेशन को अटेंड करने की हैबिट आप डेवलप जरूर से करो, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्लस सेशन करने के बाद फिर अपना जो भी आप प्लान करते हो, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, फिर उसको भी आप कर सकते हो। बट कई बार क्या है कि जनरली इतना सारा कंटेंट आ जाता है, उसको प्रिपेयर करने में टाइम लग ही जाता है। जैसे अभी इतने सारे टॉपिक्स आप देखो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये ट्रॉपिकल ट्रीज के ऊपर टॉपिक। अच्छा सेशन अगर आप लाइव देख रहे हैं लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, सेशन को जरूर से लाइक करें, और एक बार कोई भी इशू हो तो बताना, कोई भी अगर टेक्निकल इशू हो तो जस्ट लेट अस नो। अगर किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू अगर इमर्ज हो रहा हो तो जल्दी से आप लोग हाईलाइट कर देना, ठीक है। जैसे वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही है या कोई भी इशू हो तो जस्ट लेट अस नो। अब देखो यहाँ पे देखो ये न्यूज़ है, दैट इज ट्रॉपिकल ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो फर्दर अपार्ट। जो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं सेम स्पीसीज की, दे ग्रो फर्दर अपार्ट। तो जो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं ये, जैसे इसमें देखो कहा क्या गया, जैसे मान लो एक ट्रॉपिकल ट्री यहाँ ग्रो कर रहा है, अब क्या होता है कि नेचुरली ऐसा कुछ सिस्टम बना है कि ये दूसरा जो ट्रॉपिकल ट्री हो थोड़ा दूर होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम क्लोज क्लोज होंगे। तो जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं वो डिस्टेंस देमसेल्फ, मतलब जनरली क्या होता है, जैसे ये रहता है ये ट्री है और ये ट्री अपने सीड्स और ये सब यहाँ पे फैला सकता है, तो दूसरा ट्री थोड़ा दूर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें तो कोई मेन सोन्स का प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के लिए आजकल क्योंकि एनवायरमेंट टॉपिक है तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट में प्रश्न जो है ये आपके लिए जो है बना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये माइक्रोबायोटा से रिलेटेड है, मतलब आप ये मानो कि जो हमारा शरीर है इंटेस्टाइन है, उसके अंदर कुछ ऐसे आपके बेनिफिशियल बैक्टीरियास प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम माइक्रोबायोटा शब्द भी जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से जैसे कहा गया कि डायबिटीज़ को मैनेज अगर किया जाए तो यहाँ पे जो होस्ट डिराइव DPP4 इज एन इम्पॉर्टेंट थेरोपेटिक टारगेट फॉर टाइप 2 डायबिटिक मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना है रिसेंटली एक न्यूज़ में था दैट इज़ DPP4, तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो गट माइक्रोबायोटा है, गट माइक्रोबायोटा मतलब जैसे आपका इंटेस्टाइन है, अब इंटेस्टाइन के अंदर जैसे अगर आप इसको दोबारा से देखो तो ये जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बेनिफिशियल आपके बैक्टीरियास प्रेजेंट होते हैं, तो ये माइक्रोबायोटा हो जाते हैं जो कि एक माइक्रो एनवायरनमेंट अपना क्रिएट करते हैं। तो गट माइक्रोबायोटा ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं DPP4 के लिए, प्लस जो कि फर्दर आपका डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी काफी यूजफुल है। तो यहां पे देखो कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, आपको बस नोट कर लेना है प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में। अब इसमें जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है कि प्लेटफॉर्म को, कि जैसे कई प्रकार के जो माइक्रोबियल होस्ट हैं जो कि ह्यूमन से और चूहे में जो प्रेजेंट है, और फिर उसमें DPP4 को आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये सब आपका किया गया है जानकारी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक है ट्री रिंग्स के ऊपर। तो ये जैसे अगर आप देखोगे, अगर इफ़ यू कैन सी हियर, ये रिंग्स आपकी होती हैं, जो भी ट्रीज होते हैं उनकी रिंग्स होती हैं। अब जनरली क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ी स्टडी चल रही है, क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करोगे तो ह्यूज एक बड़ी स्टडी आपकी जो है वो चल रही है। अब इसमें देखो ये आया है कि जो करंट क्लाइमेट सब्सटेंशियली वार्मर देन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो अब इस चीज़ को आप कैसे कहोगे, अब देखो ये टॉपिक आपका कहाँ से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ज्योग्राफी के अंदर ये क्लाइमेट चेंज GS पेपर 3 और 1 दोनों में हो सकता है मेंस की अगर बात किया जाए। तो जनरली क्या जाता है, जैसे आप सुनते होगे कहते हैं कि लोग कहते हैं देखो अभी जो मतलब जैसे कहा जाता है ना कि जैसे अभी जो वो स्थिति है, फॉर एग्जांपल कि जो अभी स्थिति बन रही है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द पास्ट। अब आप पास्ट में देखने तो जाओगे नहीं, कि आप जाके देखने जा रहे हो कि पास्ट में क्या टेम्परेचर है, आपको कुछ चीज़ें हैं बायोलॉजिकल केमिकल सिग्नेचर्स हैं जिसके माध्यम से आपको ये बात पता चलेगी। तो कहा गया कि जो ट्री रिंग्स होती हैं, जो ट्री रिंग्स मैंने आपको फुटेज दिखाया, तो जो ट्री रिंग्स हैं वो उसके माध्यम से जानकारी हो सकती है। तो देखो ये क्या है, एक तो ये याद रखना फेनोस्कैंडिया ये रीजन है नदर्न यूरोप में। तो ये देखो मैपिंग का एक चीज़ आ गया, तो जो फेनोस्कैंडिया है वहाँ जो ट्री रिंग मिले हैं उसमें ये चीज़ उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट है, करंट जो क्लाइमेट है वो इन जनरल ज़्यादा गर्म है, मतलब टेम्परेचर हायर है अगर मिडिवल पीरियड से कंपेयर किया जाए। तो ये कैसे ये लोग कह रहे हैं, एनालिसिस ऑफ द ट्री रिंग रिकॉर्ड, जो ट्री रिंग है उसके रिकॉर्ड के माध्यम से ये बात ये बोल रहे हैं कि ट्री रिंग के रिकॉर्ड के माध्यम से इस बात को बोला जा रहा है कि फेनोस्कैंडिया एक रीजन है। तो देखो मैपिंग का एक बात बन गई आपके लिए, फेनोस्कैंडिया ये रीजन है नदर्न यूरोप के अंदर जिसके माध्यम से ये बात कही कि देखो फेनोस्कैंडिया रीजन है, वहाँ ट्री रिंग है और उसमें ये स्टडी किया, और स्टडी के माध्यम से इन्होंने कहा कि देखो कि जो टेम्परेचर इस समय है वो ज़्यादा गर्म है इन कंपेरिजन टू द पास्ट, ये बात बोल दी। अब देखो एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखना कि इसमें एक प्रश्न क्या बनेगा कि मान लो स्टेटमेंट बेस्ड है कि क्या ट्री रिंग फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या ट्री रिंग की स्टडी जो है हमें
पता लगा सकते हैं हम कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हुआ है? तो आंसर इज यस, हाँ बिल्कुल पता हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक आउल है, ऑल्दो जिस आउल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला नहीं है, लेकिन हाँ आउल एक रिप्रेजेंटेटिव फुटेज है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी ये भी कल के पेपर में आया था, तो यहाँ पे जनरली जो अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, टाइमिंग हमारे सेशन की 7:45 के आसपास मॉर्निंग के अंदर होगी। अब टाइमिंग जैसे मैंने आपको कहा था कि अगस्त में हम प्लानिंग किया आपका थोड़ा और जल्दी सेशन हो जाए, और क्योंकि कई सारे मेरे पास मैसेज भी आए कि वो ऑफिस चले जाते हैं और ये सब चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ा सा आई एम प्लानिंग किए है आपका 7:45 7:30 तक सेशन आपका हो जाए, और उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आज इतने सारे टॉपिक्स आ गए, कि क्योंकि कल के भी टॉपिक्स थे और आज के भी टॉपिक्स थे, और प्लस आपको कंटेंट बनाना है, वैसा तो नहीं कि न्यूज़पेपर से खाली वो ले लिया और आपको बताने लग गया, बट यहाँ पे स्लाइड्स भी बनानी, क्योंकि स्लाइड्स भी आपको शेयर करनी होती है। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से स्लाइड डाउनलोड आप कर सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा, आप में से कई लोग कह रहे हैं सर आंसर जो है डालने के लिए ग्रुप आप ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, आप इतना कॉपीराइटेड कंटेंट भेज रहे हो तो आई डोंट नो, मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेजेस आ गए वो टेलीग्राम वाले कि कॉपीराइट कंटेंट है, वार्निंग है, पता नहीं क्या क्या, तो आपको ब्लॉक कर, मतलब काफ़ी सारे ऐसे आ रहे हैं कि ग्रुप डिलीट हो जाएगा उस टाइप से, मतलब टेलीग्राम की तरफ से आए हैं। तो कॉपीराइटेड कंटेंट कई चीज़ें होती हैं, उसको ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहिए, खाली आंसर आप शेयर करो। तो व्हाट आई विल डू कि एक समय एक घंटा डिसाइड आई विल डिसाइड वहां पे आप अपने आंसर को सेंड करो, या फिर आप पर्सनली भी मुझे सेंड कर सकते हो अलग से अगर आप वो, लेकिन मैं ग्रुप एक घंटे के लिए ओपन कर दूंगा, तो उसमें आप अपने आंसर को शेयर कर देना। आज से मैं आपके लिए थोड़े से जो आंसर्स हैं उसको भी शेयर करूंगा, और उसको भी हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, आंसर की जो एक वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको मेंस आंसर राइटिंग जो है वो करनी है। चलो, ये आउल है, इंडियन ईगल आउल है। अब इसके बारे में बताया है कि इसकी जो फीमेल है, द स्लाइटली लार्जर फीमेल है, और ये कितने फिट की, ये नहीं है, बस याद रखना कि मेल से थोड़ा बड़ी होती है फीमेल, और हॉर्न लाइक इसका शेप, और जैसे ये देखो ना, ये हॉर्न टाइप दिखता है, इस टाइप से ये इसका हॉर्न टाइप ईयर टफ्ट देखने को मिलता है, और ये कहा गया कि मेनली ये हेल्प करता है उसको, ये जो सींग की तरह कान निकले हुए हैं तो ये हेल्प करता है प्रीडेटर से जो उसको पर हमला कर सकते हैं उससे बचाने के लिए। फिर रात में घूमता है, ऑल्दो ये इतना ज़्यादा इसके नंबर तेजी से हैं, बट क्योंकि रात के टाइम है और रात के टाइम तो हम सोते हैं तो इतना देखने को तो ये आउल मिलते नहीं, और जंगल के आसपास के इलाके में रहते हैं जहाँ हम प्रेजेंट हैं वहाँ इतने अधिक प्रेजेंट आपके ये नहीं रहे, तो नॉक्टोरल भी इन्हें कहा गया। फिर हमारे फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इन्हें कंसीडर किया जाता है, और ये जनरली जो है ये एग्रीकल्चर लैंड की बात किया जाए वहीं पे ये अपना घोंसला टाइप जो है नेस्ट आपका बनाते हैं, तो आसपास की इकोलॉजी में भी इनका एक पॉजिटिव रोल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिस टॉपिक इज लिंक्ड एंड रिलेटेड विथ टीबी, टीबी को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये है, तो लंग्स के अंदर ये बैक्टीरिया टीबी का होता है। आप जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसकी वजह से टीबी की बीमारी आपकी होती है, तो वो क्या है, लंग्स जो है वो आपका अफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, इन टीबी डिटेक्शन स्मियर माइक्रोस्कोपी शेयर टिल स्टिल होल्ड्स वे। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमारे लिए जो प्रश्न बनेगा, एक तो देखो टीबी एक बड़ा चैलेंज है, ये टॉपिक आपका साइंस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, और ये टीबी एक बड़ा चैलेंज है। देखो टीबी की अगर रिपोर्ट देखो, जो WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, उसमें 40% ऑफ 10.6 मिलियन जो पीपल ग्लोबली है उन्होंने डेवलप किया टीबी इन 2020, वे आर नॉट डायग्नोस्ड, मतलब क्योंकि देखो कोरोना चल रहा था ना, तो सारा फोकस कोरोना पे था, तो प्रॉपर डायग्नोसिस टीबी का हुआ नहीं, तो इस वजह से क्या, क्योंकि डायग्नोसिस हुआ नहीं तो बोले उस समय डेटा आया, डेटा कहता था कि यह टीबी बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, बट असल में ऐसा नहीं था क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हुआ था ना इसलिए। अब इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 67% टीबी पेशेंट, बहुत लार्ज नंबर है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि लेटेंट टीबी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट टीबी, बहुत बार पढ़ा रखा है, कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो यहां पे इन्होंने कुछ बातें कही हैं, कैन इंडिया एलिमिनेट टीबी, क्या इंडिया टीबी को खत्म कर सकता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी वाली जो बीमारी है क्या इसको हम खत्म कर सकते हैं, तो 2020 में इंडिया ने ये जो आपका प्रोग्राम था नेशनल टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम, उसको रीनेम भी किया है और कहा कि हम टीबी को 2025 तक ख़त्म कर देंगे। जो नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान है टीबी के लिए एलिमिनेशन, जिसमें था टारगेट कि 2017 से 25 तक ख़त्म किया जाएगा, और इसमें कहा गया कि लाइक 9.1 मिलियन 2015 में थे, इससे रिड्यूस होकर 5.8 मिलियन है। स्मियर माइक्रोस्कोपी बेसिकली डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। 2022 में 70% केसेस देखने को मिला, ये सब यहाँ पे है।
स्पटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मीयर माइक्रोस्कोपी क्या है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं टीबी के बारे में। अब इसमें इन्होंने डेटा हाईलाइट किया, डेटा में देखो एक चीज बस कहा है कि हमें कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टीबी पेशेंट्स हैं वो आपके इंक्रीज तो हो ही रहे हैं। अगर हमें 2025 तक ख़त्म करना है तो ये जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसको सही से इंप्लीमेंट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी जो है बन जाता है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब देखो पूरा एक एक प्रोविज़न इसको डिस्कस करेंगे, एक एक प्रोविज़न। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एक प्रोविज़न मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसका पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर करूँगा, उसको डाउनलोड कर लेना, या आप सबसे अच्छा चीज़ है कि आप उसको लिख ही लो। तो जैसे कई सारे ऐसे बिल्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो अब इन्हीं से देखो प्रश्न बना देते हैं लोग, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया या कुछ इस टाइप के प्रश्न जो है ये लोग बना देते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसके ऐसे प्रश्न को डील करने के लिए ऐसे बिल के बारे में पढ़ा होना चाहिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी मैंने आपसे ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा है, कवर कर रखा है। अब हम डेटा प्रोटेक्शन बिल एक या दो आर्टिकल पहले इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर हम एक एक प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा अगेन आई एम रिपीटिंग, कल से जो आपका सेशन की टाइमिंग जो रहेगी दैट विल बी अराउंड 7:45 AM के आसपास की टाइमिंग रहेगी। आज भी हमने जल्दी सेशन स्टार्ट कर दिया था, तो जो बच्चे नए हैं तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक बार जल्दी से बता दो सेशन, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो हमारा सेशन अभी 9:30 और 9:45 तक होता था, तो अभी बहुत लोग अवेयर नहीं है इस बारे में दैट वी आर कंडक्टिंग द सेशन। बट आज जैसे थोड़ा जल्दी सेशन हुआ, कल भी जल्दी सेशन आपका होगा। प्रयास आप करो कि लाइव सेशन अगर आप अटेंड करो तो एक डिसिप्लिन बना रहता है, वो प्रयास करने का ज़रूर से ध्यान रखें। अब देखो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो बिफोर आई स्टार्ट दिस पार्ट, एक चीज़ जो हमें समझना है कि वो है एक कंसेप्ट, आप समझो एक पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा, ये टर्म आप थोड़ा सा मन के अंदर बना के रखो। पर्सनल डेटा क्या होता है? पर्सनल डेटा जो जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाए, एज, सेक्स, कहाँ रहते हो, ये सब पर्सनल डेटा होता है। नॉन पर्सनल डेटा मतलब कुछ क्या खाते हो, क्या देखते हो, तो ये नॉन पर्सनल डेटा है। मार्केटिंग के लिए नॉन पर्सनल डेटा की जरूरत है। तो जनरली हमें जो रेगुलेशन की बात करें, जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं, तो वहां पे हम पर्सनल डेटा की बात करते हैं। अब यहां पे कहा गया, देखो जो इस बिल के अंदर ये प्रोहिबिट करता है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को, मतलब जो एक मतलब हमारे देश से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर ना हो, कई कंडीशंस उस पर रखा गया है। अगर कोई करता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, और एक फ्रेमवर्क लेकर आना जिससे कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाए और जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो देखो बिल बेसिकली, क्योंकि नाम ही डेटा प्रोटेक्शन है, तो क्रॉस बॉर्डर जो डेटा है आपके देश से दूसरे देश में डेटा के ट्रांसफर को प्रोहिबिट करता है। अब व्हाट विल द डेटा प्रोटेक्शन बिल डू, क्या क्या ये करेगा? अब इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बिल है, इट एस्टैब्लिशेस रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिजनेसेस हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा एज वेल एज इंडिविजुअल राइट्स। फिर देखो यहाँ पे जैसे मान लो बिजनेसेस अलग अलग है, अब एक तरफ बिजनेसेस हैं जिन्हें डेटा की जरूरत है, एक तरफ हम लोग हैं, हमारा डेटा चाहिए उनको, अब एक तरफ हमारे राइट्स हैं दूसरी तरफ उनका रिक्वायरमेंट है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, उसको हैंडल करना, ये डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो बिजनेस है, अब बिजनेस वालों को तो डेटा की जरूरत पड़ेगी, और एक तरफ हम इंडिविजुअल हैं तो एक तरफ हमारे राइट्स मैटर करते हैं, भाई हमारा कोई भी डेटा बिना पूछे जो है आप इस्तेमाल करके कंपनी खड़ी करके पैसा कमा रहे होती तो सही नहीं है ना। तो इंडिविजुअल एक तरफ है, बिजनेस एक तरफ है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना। क्रॉस बॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस बॉर्ड ये लाइन हमने लास्ट ये पढ़ रखी है। अब अगर नॉन कंप्लायंस कोई करता है, जो भी प्रोविजंस इसमें मेंशनड है, तो यहाँ पे क्या है कि पेनल्टीज उसको लगेंगी, फिर कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे लाइक फॉर एग्जांपल उसे फिर डेटा जो भी वो ले रहा है वो फिर उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, डेटा अवेलेबल नहीं होगा। कोई भी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन है वो विल बी परमिटेड टू प्रोसेस द पर्सनल डेटा दैट इज लाइकली टू हैव एनी डेट्रीमेंटल ऑन द चाइल्ड वेलबींग विल बी परमिट। तो यहाँ पे किसी को भी परमिट नहीं किया जाएगा, मतलब मान लो चाइल्ड वेलबींग को अफेक्ट करता, तो चाहे वो पर्सनल हो नॉन पर्सनल डेटा कोई भी ऐसा डेटा हो, उस डेटा को किसी भी तरीके से जिसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है उसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता या यूज़ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डेटा है ना वो डेटा प्रिंसिपल, जैसे हमारा डेटा है तो हम डेटा प्रिंसिपल कहलाएंगे, तो जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं
उनके पास राइट है टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ देयर पर्सनल डेटा। तो देखो पहली चीज इसमें बिल में कहा गया राइट टू इंफॉर्मेशन, देखो बहुत अच्छे पॉइंट फॉर्मेट में है तो ध्यान से समझना सारा, राइट टू इंफॉर्मेशन बोला गया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में मतलब जैसे मान लो आपका डेटा है, अब उस डेटा को यूज ये कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आपके पास राइट है कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, फिर अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपने कहा कि ठीक है मेरा डेटा आप यूज कर लो और उसमें कंसेंट मैनेजर रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैं नहीं, अब मेरा डेटा शेयर नहीं होगा, तो वो कंसेंट मैनेजर का भी राइट आपको मिला है। फिर राइट टू करेक्शन एंड इरेजर, फिर ये क्या है कि अगर मान लो कोई डेटा में कोई पर्सनल डेटा से रिलेटेड कुछ इनएक्यूरेसी है कुछ है, तो वहां पे भी दे हैव द राइट कि उसको करेक्ट कर सकते हैं कि ये जो डेटा है सही नहीं, इसको हटाया जाए, इसको अपडेट किया जाए। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल की भी बात की गई है, कंप्लेंट है तो जैसे मान लो जो डेटा आपका इकट्ठा करेगा उसको डेटा फिड्यूसरी का फिड्यूसरी कहते हैं। मतलब जैसे एक तरफ डेटा प्रिंसिपल, हम डेटा प्रिंसिपल हो गए, जिसका डेटा वो डेटा प्रिंसिपल हो गया, जो ले रहा है वो डेटा फिड्यूसरी हो गया। अब क्या है कि जो कंप्लेन है वो रजिस्टर की जा सकती है डेटा फिड्यूसरी को कि देखो जो भी आप कह सकते हैं कि ये डेटा ले रहे हो सही नहीं है, और मान लो नहीं करते हैं तो फिर आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की तरफ हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके हाईलाइट की। तो देखो इस बिल के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू विड्रॉ कंसेंट, राइट टू करेक्शन एंड इरेजर एंड राइट ऑफ ग्रीवेंस, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसर ये भी आपका है। फिर ट्रांसपेरेंसी पे भी फोकस किया गया कि जो डेटा फ्यूडिसरी है वो पूरा एक्सप्लेन करे कि अच्छा क्यों आप डेटा मेरा ले रहे हो, क्या पर्पज है आपका, ये तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सारा इंफॉर्मेशन। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, मतलब जिसका आप डेटा ले रहे हो उसको भी बताओ कि देखो तुम्हारा डेटा लिया जा रहा है, तुम्हारे पास सारे राइट्स भी हैं, तुम चाहो डेटा का जो कंसेंट दिए हो उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, तो इन्फॉर्म कंसेंट हो गया। डेटा एक्यूरेसी, मतलब जो डेटा लिया जा रहा है वो सही होना चाहिए, मतलब इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स मस्ट बी प्लेस इन टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच, मतलब सिक्योरिटी मेजर्स भी प्रॉपर होने चाहिए, किसी का भी डेटा गलत तरीके से बिना पूछे इस्तेमाल ना हो, ये भी देखना है। डेटा का रिटेंशन, डेटा शुड ओनली बी रिटेन एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, मतलब जब तक डेटा की जरूरत है तभी तक, ऐसा नहीं जिंदगी भर के लिए रख लिया, तो वो भी हाईलाइट आपको बताना पड़ेगा अच्छा इस पर्पज के लिए डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस समय तक आपका डेटा इस्तेमाल होगा, ये रहेगा। फिर डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन, अगर डेटा ब्रीच है तो उसको इन्फॉर्म करना, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और अफेक्टेड डेटा प्रिंसिपल उनको नोटिफाई करना, मतलब किसी भी प्रकार का अगर डेटा का ब्रीच होता है, डेटा का गलत कोई एक्सेस कर ले तो उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपका डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और डेटा प्रिंसिपल को। फिर डेटा शेयरिंग के ऊपर जो डेटा फ्यूडिसरी, मतलब जो डेटा आपका कलेक्ट और प्रोसेस कर रहा है कि वो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करे, और मतलब शेयरिंग या ट्रांसफरिंग डेटा किसी दूसरे को, मान लो एक जैसे यहाँ देखो ये चाहिए याद रखना, डेटा फ्यूडिसरी मतलब कि जो डेटा आपका कलेक्ट कर रहा है, तो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है आप दूसरे को देना चाह रहे हो, तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिन मन से दे दिया या कुछ भी ऐसे दे दिया सारी जानकारी कि ठीक है हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम डेटा जो हम शेयर कर रहे हैं वो इनसे इनसे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हु विल पुट द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन टू एक्शन, तो यहाँ पे आपके पास डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो ये फर्स्ट इंडियन डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि डेटा प्राइवेसी पर फोकस आपका करेगा। देखो विश्व जो है डेटा का बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहा है, हम तो इतना लेट हो गए लॉ लाने में ही, अब इस लॉ में भी देखो आर्टिकल्स आएंगे, प्राइवेसी हो रहा है, ये हो रहा है, दो चार ऐसे ही मतलब नेगेटिव चीज़ें बोली जाएंगी, बट देखो कोई भी नेगेटिव चीज़ है पहले हम ये तो समझें कि पहले लॉ तो आए, आपका डिजिटल इकोसिस्टम डेटा के बिना मैनेजमेंट के आप कैसे सही से इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो बहुत जरूरी है। तो जो भी है एक बार एक्ट तो सही से कार्य करेगा, जो कमी होगी उसको हम बाद में दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम करें ही ना देखें ही ना, तो ये थोड़ा सा है। अगर कोई भी ऐसा डेटा जो कि बच्चों के वेलबींग के लिए ठीक नहीं, तो उसको अलाउड नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डेटा है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर नॉन कंप्लायंस करेंगे तो पेनल्टी है, बहुत ह्यूज पेनल्टी है, मिनिमम 50 करोड़ और 250 करोड़, बहुत ज़्यादा जो है मतलब बड़ा पेनल्टी है। अब यूनाइटेड नेशन ट्रेड एजेंसी एनक्टेड की अगर बात किया जाए तो 70% कंट्रीज वर्ल्ड वाइड है उन्हें किसी न तरीके का प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, अब हमारा ही देख लो हमारे पास जल्दी होना चाहिए। अब जैसे EU का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है वो आपका 2018 से है, अब हम 5 साल पीछे हैं, चाइना का भी अपना लॉ है, वियतनाम का, बहुत सारे देशों के अंदर है, मतलब वो बहुत तेज़ी से रेगुलेट करते हैं डेटा का, और हमारे यहाँ पे हम लेट हो गए, ये आप मानो,
थोड़ा जल्दी करना जरूरी है, सरकारी तंत्र भी चेंज करना जरूरी है। अब ये बिल जब आएगा ना तो आप ये मानो कि बहुत सारी नौकरियां भी आएंगी, और जो जो लोग कंप्यूटर साइंस और इन सब एरियाज में थोड़ी डिग्री है ना, जिनकी एक्सपर्टीज है, वो अच्छी अच्छी पोजीशन में गवर्नमेंट जॉब में बैठेंगे, यूपीएससी भी निकालेगी और भी लेवल पे जॉब्स जो है वो निकले। क्योंकि देखो अब खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के थोड़ी ना ये कोई काम कर लेगा, अब कोई डेटा प्रोटेक्शन के अंदर लगा है तो उसे फिर डेटा साइंस का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेशन अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से जो है प्रेस करें। फ्रीडम फेस्टिवल आपका चल रहा है जिसमें 50% ऑफ है, तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोड यूज़ करो SPSAURABH, तो अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरे द्वारा भी कई कोर्सेस आपके आ रहे हैं, जैसे आंसर राइटिंग का कोर्स है, साइंस टेक का कोर्स है, और ये एग्रीकल्चर GS का कोर्स है, करंट अफेयर का कोर्स है, तो ये कोर्स भी आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा भी सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ऑप्शनल GS के जितने भी सब्जेक्ट हैं, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कोड यूज करना है, दैट इज SPSAURABH, SP सौरभ कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये ग्रेट ऑफर है, इसका बेनिफिट जरूर से उठाएं। अच्छा, कल से हम सेशन की टाइमिंग 7:45 AM के ही रहेगी, अब क्योंकि लोगों को पता नहीं है, आज दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड, तो जो बाद में सेशन देखें तो इस चीज को ध्यान रखें और कल कोशिश करें जल्दी उठने की और सेशन को अटेंड करने की। सो थैंक यू एवरीवन, और इसका PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा, CSAT की क्लास चल रही है उसको भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हो, और भी कई सारी चीजें हैं उसको भी चैनल के अंदर डाला हुआ है, तो उसको भी, जैसे अब एक हमने एक टॉपिक भी डिस्कस किया चंद्रयान के ऊपर, तो वो भी आप देखो, साइंस ऑफ एटॉमिक बम पे एक टॉपिक पढ़ा है, वो भी आप लोग देख सकते हो। जब भी समय मिले तो जरूर से इनको देखना चाहिए, और अनअकैडमी से जरूर से जुड़े अगर आप तैयारी करना है, तो अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, एक पढ़ाई का मोमेंटम बना रहेगा, प्लस टॉप एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं।